कोरबा के कलेक्टर परिसर में बने ये दुकान बिहान योजना के तहत महिला समूह को आवंटित किए गए हैं, जिसमें सिर्फ 4 दुकानों का ही संचालन महिला समूह कर रही हैं। 2 साल से चल रही महिला समूह की सदस्यों ने बताया कि दुकान तो खोले गए हैं, लेकिन खाने के सामान या स्टेशनरी की खरीदी सरकारी कार्यालय द्वारा बाहर ही की जा रही है। ऐसे में महिला समूह को कैसे लाभ मिलेगा? केवल 4 दुकानों का संचालन कर रही महिला समूह आमदनी नहीं होने से आने वाले समय पर दुकान बंद कर सकती हैं। बिहान योजना से महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत होने की बजाय कमजोर हो रही हैं। फ्री जा रहे हैं, खेती किसानी में रहे हैं, तब एक रुपए से कमाए हाजरी उजरी चल देते हैं। अब अभी तो चल जात्री से हाजरी उजरी, अब लॉकडाउन के नाम से अभी तो कम ही है। अभी मुश्किल हो गए 150 निकालना। अभी तो इतना चल वो नहीं कर रहा था पहले जी से। पहले तो बीच में ना अच्छा रही से, अरे लॉकडाउन हो तेकर लिए पास चलते नहीं। अभी तो लाभ नहीं पहुंच रहा सर, पहले पहुंच रहा था 1 साल पहले, अभी तो नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा? कोई आते भी नहीं सर, केवल जिला पंचायत से सामान लेते हैं, कलेक्ट्रेट से बाहर से लेते हैं। हम लोग चाहते हैं कि जितना भी शासकीय शाखाएँ हैं उतना से हम लोग से सामान लें। ऐसे पहले घर में रहते थे, कुछ नहीं कर सकते, और तो करने के लिए बहुत कुछ है सर, लेकिन बस हम लोग इतना चाहते हैं कि सामान ले। हम लोग जितना पूर्ति करना सकेंगे हम लोग करेंगे बोल रहे हैं, लेकिन लेते नहीं सर। बहुत लोग तो वहाँ जाते हैं मेहमान के पास जाते हैं, हम लोग के पास बहुत कम आते हैं। अभी तो जोड़े ही नहीं सर, क्योंकि बहुत कम हो रहा है। कितना खर्च कर चुके हैं दुकान का? तो 2-3 लाख हो गया होगा सर। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए ममता साहू के साथ ईश्वर राठिया की रिपोर्ट।